हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप? आई होप कि आप अपने अपने घरों में खुश होंगे तो अच्छे होंगे। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि आप अपने घरों में अच्छे रहें। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ चिकन का कीमा एंड सोवा। तो अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो ये रेसिपी बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो मैं अभी सोवा, ये सोवा है तो इसमें से जो येलो इसकी पत्तियाँ होती हैं उसको हम छाट कर अलग कर देंगे और जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं येलो येलो जो पत्तियाँ हैं उसको मैं अलग कर रही हूँ। तो ये मैंने 250 ग्राम सोवा लिया है और 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। जो मोटी वाली डंडी है इसको हम काट के अलग कर देंगे और इसको धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं। एक कढ़ाई ले ली मैंने, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, खड़े मसाले, तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा क्रैकर होने लगेगा तो फिर हम इसमें 2 प्याज को मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। तो गाइस बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो मैं बना रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ख़ास तौर से मुझे बहुत पसंद है कीमा पाव वगैरह, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा प्याज करेमलाइज हो जाएगी तो फिर हम इसमें चिकन का कीमा ऐड करेंगे। कि कीमा मैंने 500 ग्राम लिया है, आप बीफ या मटन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका चिकन का कीमा जो है थोड़ा सा वाइट कलर अपना चेंज कर देगा। तो इसमें स्पाइसेस मैंने ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च 1-1 टीस्पून लिया है, 2 टेबलस्पून लिया है धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर। ये मसाले ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस चिकन का कीमा बहुत जल्दी से गल जाता है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 टेबलस्पून में इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करा है मैंने और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको ढक करके पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। तब तक सिर्फ इसको हमें पकाना है। तो चिकन का कीमा मैं ये बता रही थी कि चिकन का कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, हमें ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ती। तो अगर आप बीफ का या मटन का बना रहे हैं तो आप प्रेशर कुकर में बनाइए, उसमें जल्दी बन जाता है। तो ये चिकन का था इसलिए मैंने इसमें बना रही। अभी देखिए ये मिर्च है, विंटर सीज़न आ गया तो ये मिर्च अब मिल रही है। ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, ये बहुत कम तीखी होती है और खाने में भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मैं फुल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ नहीं मिलती हैं या ना मिले आपको, तो आप जो ग्रीन चिली, जो हमारी आम सी जो मिर्च होती है, वो आप ऐड कर सकते हैं बारीक बारीक चॉप करके। तो मैंने इसको फुल ही इसमें ऐड कर दिया है। तो जब मैं हम लोग लेते हैं अपने लिए प्लेट्स में लगाते हैं तो एक मिर्च साथ में रख लेते हैं और रोटी या चपाती पराठे के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया था। और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा कीमा गल जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं कीमा हमारा गल चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, 4 टेबलस्पून मैंने दही ऐड किया था इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था। और दही ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है और कटोरी में जो पानी डाल के थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। अब बस 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे और हमारा कीमा इस रेडी। अब जो हमने सोया कट करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सोया की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि कीमे की जो खुशबू होती है वो सोए की उससे ज़्यादा खुशबू आने लगती है कीमे में से। तो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पर्सनली, और आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा। आपने कभी बनाया नहीं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, इस तरीके से आपको अच्छा लगेगा और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो हम कीमा मेथी तो बनाते ही हैं, कीमा आलू भी बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ कीमा सोई की रेसिपी शेयर करती हूँ। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और कीमा हमारा डन हो गया है। देखिए इसमें सोया भी अच्छे से गल चुका है। 2-4 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था और फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। तो गाइस कैसी लगी मेरी कीमा सोई की रेसिपी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गाइस मैं इसको पाव से खाने वाली हूँ इसलिए मैंने पाव भी रख लिया है अपनी प्लेट में। तो पाव से भी आप खाकर देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से। और मैं इसको सोई की पत्ती से गार्निश कर रही थी। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।